मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। उन रासायनिक यौगिकों के जो है रासायनिक सूत्र क्या है और उनके बनाने की विधि, उनका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आज हमारा है साबुन और अपमार्जन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन व अपमार्जन। सबसे पहले हम जो है साबुन के बारे में पढ़ेंगे। साबुन जो है इसे जो जंतु वसा यानी जंतु या पादप से प्राप्त जो वसाएं हैं उन वसा के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलन को गर्म करके साबुन को बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। वसा जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो है चेन होती है, हाइड्रोकार्बन। तो इसकी जो साबुन की जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ये साबुन की परिभाषा है कि साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसके साथ में एक और प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है साबुनीकरण, यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए जब वसा अणुओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है साबुन का निर्माण होता है। इसे साबुनीकरण कहा जाता है। तो साबुनीकरण क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया। साबुन बनाने के लिए वसा, वसा का मतलब है कोई जंतु वसा यानी जंतुओं की चर्बी है या पादपों से प्राप्त जो तेल है वनस्पतिक तेल, उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अब साबुन जो है इस चीज में बात याद रखने वाली यह है कि इसकी साबुन मृदु जल में सफाई प्रक्रिया करते हैं।
मृदु जल का मतलब है जो पीने योग्य जो मीठा पानी होता है उसमें साबुन जो है झाग देते हैं और कपड़ों से आसानी से मैल को निकाल सकते हैं। लेकिन साबुन जो है वो कठोर जल का मतलब है खारा पानी, उसमें सफाई प्रक्रिया नहीं करते, यानी उसमें ये झाग उत्पन्न नहीं करते हैं और कपड़ों से मैल जो है पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जो खारा पानी है यानी जो कठोर जल है, कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनके लवण होते हैं और ये जो लवण है ये साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसके स्थान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो है जल में अघुलनशील होते हैं, इस कारण साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं और सफाई प्रक्रिया नहीं करते। तो कठोर जल में कपड़ों की सफाई के लिए साबुन के स्थान पर अपमार्जक का उपयोग किया जाए। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, जिसको हम अपनी भाषा में सर्फ कहते हैं, जो डिटर्जेंट है उनका उपयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट की जो परिभाषा है अपमार्जक की, अपमार्जक की परिभाषा है कि ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। मार्जन डिटर्जेंट है उसकी परिभाषा है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। तो ये जो डिटर्जेंट या जो अपमार्जन है ये मृदु जल यानी मीठा पानी और कठोर जल यानी खारा पानी दोनों प्रकार के जल में जो है झाग उत्पन्न करते हैं और कपड़ों से जो है मैल को निकालना यानी सफाई कर सकते हैं। अपमार्जक जो है साबुन से ज्यादा उपयोगी है, ये दोनों प्रकार के जल में काम कर सकते हैं क्योंकि ये जो मृदु जल के साथ का जो सफाई प्रक्रिया करते ही है साथ साथ में कठोर जल में ये अमोनियम या सल्फोनेट लवण बनाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण ये कठोर जल में भी सफाई प्रक्रिया कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो है कि ये इनकी जो सफाई प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, तो सफाई प्रक्रिया के लिए हम देखते हैं कि साबुन का जो अणु है, साबुन का एक अणु, साबुन के एक अणु की संरचना इस प्रकार से होती है कि ये द्विध्रुवीय अणु होता है यानी इसके दो भाग होते हैं, ये भाग आयनिक भाग कहलाता है और ये जो भाग है इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी साबुन के एक अणु के दो भाग होते हैं आयनिक भाग और हाइड्रोकार्बन भाग, ये भाग इसको जल स्नेही कहा जाता है। जल स्नेही का मतलब ये पानी में घुल सकता है आयनिक भाग, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है इसको जल विरोधी कहा जाता है क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि साबुन के एक ही अणु के दो गुण होते हैं, एक भाग जो जल में घुल सकता है वो आयनिक भाग है और दूसरा भाग जो जल में नहीं घुल सकता वो हाइड्रोकार्बन भाग है। तो जब साबुन को पानी में डाला जाता है तो साबुन के ऐसे बहुत सारे अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से
ऐसे कई सारे अणु जो है आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें इनके जो आयनिक सिरे हैं ये बाहर की तरफ होते हैं और हाइड्रोकार्बन सिरे जो है अंदर की तरफ होते हैं। यानी ये जो भाग है जल में घुल सकता है, जो आयनिक भाग है अंदर वाला भाग जल में नहीं घुल सकता है। इस रचना को मिसेल कहा जाता है। मिसेल यानी जब साबुन को पानी में डाला जाए तो साबुन के अणु अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके आयनिक सिरे बाहर की तरफ रहे और हाइड्रोकार्बन सिरे अंदर की तरफ हो। इस व्यवस्था को मिसेल कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कपड़ों पर जो ज्यादातर जो मैल है वो चिकना युक्त मैल होता है, यानी जो है उसमें तेलीय मैल होता है। तेल जो है वो पानी में नहीं घुलता है। तो जो चीज पानी में नहीं घुलती है वो हाइड्रोकार्बन में घुल सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कपड़ों पर जो मैल होता है चिकना युक्त मैल जो है वो इस भाग में नहीं घुल सकता, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग में घुल सकता है। तो जब जिस कपड़े की सफाई करनी हो उसके ऊपर जब साबुन लगाया जाता है तो उसमें साबुन से इस तरह की संरचना बनती है, ऐसे कई सारे मिसेल बनते हैं और इस मिसेल के बीच में जो कपड़ों पर लगा हुआ जो चिकना युक्त मैल है वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से में आकर इसके अंदर घुल जाता है। और जब उस कपड़े को फिर पानी साफ पानी से खंगाला जाता है, साफ पानी में जब धोया जाता है तो ये जो मैल है जो हाइड्रोकार्बन भाग में घुला हुआ है ये मिसेल समेत कपड़ों से बाहर निकल जाता है और कपड़ों की सफाई होती है। इस प्रकार से जो है साबुन और अपमार्जक दोनों जो है कपड़ों से सफाई प्रक्रिया करते हैं। इसमें मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल में बाहर की तरफ आयनिक सिरे होते हैं और अंदर की तरफ हाइड्रोकार्बन सिरे होते हैं। फिर इसमें लास्ट में दोनों में अंतर पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो जो मुख्य अंतर है कि साबुन जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर इसमें यह है कि साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, जबकि अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी झाग दे सकते हैं। तीसरा अंतर कि साबुन जो है वो जल प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक जो है जल प्रदूषण करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है साबुन और अपमार्जक में। तो ये आज हमारा इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक था, पांचवा चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन।